चंद्रलेखा फाउंडेशन के संस्थापक समाज सेवी एचपी सिंह परिहार ने पत्रकारों को कवरेजिंग के दौरान कोरोना से बचाव को सैनिटाइजर किट उपकरण वितरण किए। मथुरा, कोरोना कोविड 19 वायरस के बढ़ते प्रकोप में भी पत्रकार न्यूज कवरेजिंग कर आमजन मानस को पल पल की खबरें प्रदान कर जागरूक कर रहे हैं। जहां कोरोना वायरस महामारी से हर कोई आहत और भयभीत है, तमाम तरह के सुरक्षा उपाय खोज रहे हैं, वहीं पत्रकारगण जोखिम भरे माहौल में भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इसे देखकर मथुरा के प्रमुख समाजसेवी चंद्रलेखा फाउंडेशन के संस्थापक एचपी सिंह परिहार आगे आकर 1 लाख रुपए की धनराशि से उन्हें सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लव्स, साबुन, माउथ मास्क, डिटॉल आदि सामान प्रदान किए गए। कहा है कि देश में डॉक्टर्स, पुलिस के अलावा पत्रकार ही ऐसे हैं जो विपत्ति के समय में भी आगे रहकर आमजन मानस के हितों, उनकी सुरक्षा को पल पल की खबर पहुंचाकर उन्हें जागरूक करने में लगे हैं, वह भी बगैर किसी संसाधन के। इसलिए वह ऐसे समय में चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे मथुरा जनपद के पत्रकारों के सहयोग को आगे आए हैं। इस समय वह पत्रकारों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वहीं एचपी सिंह परिहार की पत्रकारों को लेकर की गई सहानुभूति व मदद को लेकर जिले भर के पत्रकारों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया है। रविवार को चंद्रलेखा फाउंडेशन के संस्थापक व्यवस्थापक महेश परिहार, मीडिया प्रभारी दलबीर सिंह विद्रोही ने 1 बजे शहर के पत्रकार, विभिन्न अखबारों व न्यूज चैनलों को PWD गेस्ट हाउस पर पहुंचकर सैनिटाइजर किट वितरण की। मैं धन्यवाद दूंगा अपने ब्रज के समाज से भी, देवकीनंदन ठाकुर जी को भी और परिहार जी को। उन्होंने दोनों ने आज पत्रकारों और हमारे जो भी साथी हैं जो अखबार वितरण का काम करते हैं मथुरा में, उनको अपने ट्रस्ट से, अपनी संस्था से, और इनको कोरोना संक्रमण के जो साधन है वो उपलब्ध कराए। जो ऐसा आपने पहले कहा था, ये अनुरोध हमने जनप्रतिनिधियों से किया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बेचारों ने अपनी निधि से लेटर तो जारी किए, लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि उस निधि से ये पैसा जा सकता है कि नहीं। अधिकारी, 2 दिन हम परेशान रहे सारे लोग, 2 दिन के बाद पता चला कि उनकी निधि से हमें ये सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। तब फिर ये ब्रज के हमारे दोनों खुद ही सामने आए और उन्होंने ये व्यवस्था कराई। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे पत्रकारों को ब्रज क्षेत्र में, जैसे कोसी है, कोसी में नरेंद्र चेयरमैन है, वहाँ के मंत्री प्रतिनिधि हैं नरदेव चौधरी, उन्होंने दोनों ने मिलकर कराई है। और भी कुछ लोग हैं, कल भी मुझे जाना है, बरसाना है, नंदगांव है, वहाँ गोवर्धन में हमारी परीक्षित हैं जो ब्रज वहाँ पत्रकार हैं, 2-3 पत्रकारों से मैंने कहा था, उन्होंने अपने आप कराई है। हर कस्बे में हमने अपने जिम्मेदार पत्रकार जो हैं उनसे किसी सामाजिक संस्था को लेकर के ये व्यवस्था कराने के लिए कहा है और शीघ्र ही 1-2 दिन में पूरे ब्रज क्षेत्र के हर कस्बे में, हर ग्राम स्तर पर ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसके लिए जो भी आगे आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप ऐसे समय में पत्रकार और समाचार वितरकों को बचाने के लिए आगे आए, उनका तहे दिल से धन्यवाद। अदिति, एक बात और कि जो जो व्यवस्था सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, ये व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब ये आलोचना का विषय नहीं है, उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन हमारे लिए किसी ने तो सोचा। और सरकारें अपनी तरह से काम कर रही हैं, हम अपनी तरह से करते हैं, हम कोई सरकार के मातहत नहीं है, ना सरकार शासन प्रशासन के, पत्रकार स्वतंत्र है। कोई भी हेल्प कर रहा है, वो आगे आया, जो हेल्प करने आया हमें उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और बिलिप से हैं, मास्क है, तो जो सैनिटाइजर है, डिटॉल है, लाइफो साबुन है, पत्रकार बंधु की जो सफाई के संबंधित जितने भी वो आइटम है सब एक पैकेट बना के उसमें वितरण। अच्छा, कितने लोगों को बांटने का लक्ष्य है इसमें? जितने भी मथुरा जिले में जितने भी पत्रकार हैं, पूरे जिले के पत्रकार, पूरे जिले के, चाहे वो होकर हो पत्रकार हो, हाँ, कोई जितने भी पत्रकार हैं मथुरा जिले में, सबके लिए, चाहे देहात का है, ब्लॉक का है, सिटी का है, कहीं का भी है, सब। और आगे क्या स्थिति है? आगे जैसे देखेंगे, आगे अगर जरूरत पड़ी तो और भी कार्य करेंगे। जैसे 14 तारीख के बाद में लॉकडाउन और आगे बढ़ता है या कोई और समस्या आती है, गरीबों को खाना खिलाना, उसके लिए भी पूरी सब्जी व्यवस्था करेंगे और पूरा सिस्टम से काम होगा और किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, किसी को समस्या।